राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी को भांडेवाड़ी की कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा घोटाले की शिकायत मिली, जिसके बाद शैलेंद्र तिवारी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी कचरा घोटाले की अचानक से भांडेवाड़ी की कचरा डंपिंग यार्ड में निरीक्षण करने पहुंची तो डंपिंग यार्ड में खाली होते हुए पीवीजी कंपनी के सतरंजीपुरा जोन क्रमांक 7 से आए हुए टिप्पर और लक्ष्मीनगर जोन क्रमांक 1 के आए हुए टिप्पर, यह तीनों टिप्पर डंपिंग यार्ड के विभागीय अधिकारी राठौड़ के सामने चेक किए गए। उन तीनों टिप्परों में मिट्टी ही मिट्टी नजर आई, जिसकी जानकारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी हरीशदास दसरवार को दी। उसके बाद दंड देने की कार्यवाही सतरंजीपुरा जोन क्रमांक 7 और लक्ष्मीनगर जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत शुरू की गई। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने कहा कि 15 सालों से मनपा में लगातार विभिन्न कार्यों में भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार शुरू है और अब मनपा के अधिकारियों की साठगांठ से नागपुर शहर में कचरा घोटाला करके बीवीजी व एजी नामक कंपनियों के माध्यम से जनता के पैसों की लूट मचा रखी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को डंपिंग यार्ड में खाली होते हुए टिप्परों में मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, लेकिन मनपा के डंपिंग अधिकारियों को यह नजर नहीं आता है। यह संपूर्ण घोटाला मनपा के अधिकारियों की साठगांठ से हो रहा है। वह इस विषय पर नागपुर के महापौर क्यों मौन है, जनता को क्यों लूटा जा रहा है, यह जवाब मनपा के सत्ताधारी भाजपा को देना होगा। ऐसी बात राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने कही। डंपिंग यार्ड में निरीक्षण के दौरान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी राकेश बोरीकर, अनिल बोकड़े, प्रणय जांभुलकर, सरवर अंसारी, नितिन वजेकर, राहुल पांडे, विश्वजीत सवड़िया, अर्जुन सिंह राणा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। टैक्स भरती है और ये टैक्स के पैसे से इन्होंने लूट मचा के रखी है। इसकी शिकायत हमने यहाँ के अधिकारी से की, हमने स्वास्थ्य अधिकारी दासरेवार साहब से की, जोनल आरोग्य अधिकारी से की, तो उन्होंने हमको लिखित में पत्र दिया है कि आज दिनांक 19/6 को ट्रक क्रमांक AD6706 और AD6703 ये जोन क्रमांक 7, उसी प्रकार से MH40CB1121 यह जोन क्रमांक 1, ये ट्रकों में मट्टी भर के लाई गई है, ऐसा उन्होंने हमको लिखित में दिया और उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने जोन में सूचना दिया कि यह ट्रक पे ज्यादा से ज्यादा फाइन लगा के कार्रवाई करे। हमने कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन रोज के 200 ट्रक आते हैं, 3 ट्रक हमने चेक किए, तीनों ट्रक में मट्टी मिलती है, तो क्या ये 3 ट्रक पे कार्रवाई होने से जनता का पैसा जो लूट मची है वो बंद होंगी क्या? इसलिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से मैं शैलेंद्र तिवारी जिला अध्यक्ष मांगनी करता हूँ कि जल्द से जल्द ये AG और BVG कंपनी का करार जल्द से जल्द रद्द किया जाए, जनता के पैसे की लूट जो मची है वो बंद की जाए। भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिस प्रकार से कंपनियां लूट मचा के रखी है, ये आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका में हम लोग जनता के पास जाके बताएंगे हमारे महापौर क्यों मौन है, हमारी जनता को क्यों लूटा जा रहा है। यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और ये जल्द से जल्द ये कंपनी का करार रद्द करने की मांग नहीं मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर की तरफ से करता हूँ। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।